नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले जनपद के समाज सेवी राजवर्धन सिंह को दिल्ली के लाजपत भवन में इंद्रप्रस्थ एजुकेशन रिसर्च सेंटर के द्वारा 2019 आइकॉनिक अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। राजवर्धन सिंह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। किसी भी गरीब की मदद करने में वो पीछे नहीं रहते हैं, चाहे रात हो या दिन वो परवाह नहीं करते हैं और वो सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिसको लेकर आज वो जनपद ही नहीं पूरे देश में जाने माने समाज सेवी के रूप में जाने जाने लगे हैं, जिसको लेकर वो कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। श्री राजू दिल्ली में 40 महान हस्तियों के बीच में आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने जनपद का नाम भी दूर दराज क्षेत्रों में रोशन किया है। समाज सेवी राजवर्धन सिंह ने जनपद वासियों का भी बहुत आभार व्यक्त किया है। लाजपत भवन में इंद्रप्रस्थ एजुकेशनल रिसर्च सेंटर द्वारा आइकॉनिक अवार्ड 2019 में मुझे बुला के सम्मानित किया गया। इसमें देश दुनिया की करीब 40 हस्तियों को सम्मानित किया गया था, पूरे देश के। झारखंड के सांसद मुकेश जी थे उसमें, दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर थे उसमें, और भी काफ़ी लोग थे आयोजक मंडल में। सबसे पहले तो हम आयोजकों का आभार ज्ञापित करना चाह रहे हैं, और जो हमको सम्मान मिला है, ये समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का हमको सम्मान मिला है। इसमें हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी हमको आज की डेट में दूर जनपदों में जैसे लखनऊ में, दिल्ली में जो सम्मानित होने का अवसर मिल रहा है, इसमें हमारे हरदोई के नौजवान साथियों का और मीडिया के साथियों का विशेष योगदान है, जिनकी वजह से हमारी पहचान बहुत जल्द 2-3 सालों के समय में ही पूरे देश दुनिया में बन रही है धीरे धीरे करके। तो हम मीडिया के लोगों का विशेष तौर पर आभार ज्ञापित करना इसलिए चाह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से हमारी पहचान आज बनी। क्या कहना चाहते हैं जनपदवासियों से आप? जनपदवासियों के लिए भी गर्व की बात है कि हरदोई जनपद का नाम अपने देश दुनिया के मानचित्र पर रोशन होगा, तो जनपदवासियों के लिए भी गौरव की बात। और जनपदवासियों ने जिस तरीके से हमारा सहयोग अभी तक किया है, हम चाहेंगे कि मीडिया के साथ ही जनपद के लोग हम पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहें और हमारे कार्यों का मूल्यांकन समय समय पर करते रहें, जिससे कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में और ज़्यादा काम कर सकें और हरदोई से निकल के बाहर भी कुछ जनपदों में अपना कार्य आगे बढ़ा। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।